तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है एरर एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में बताया गया अ सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एट ए सर्टेन प्लेस। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25.0 सेंटीमीटर एंड द स्टॉप वॉच विथ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन मेजर्स द टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशंस टू बी 50 सेकेंड। द एक्यूरेसी इन जी इज, मतलब ये जी है वो कितना परसेंट एक्यूरेट है ये हमें बताना है। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ये हम लोग जानते हैं होता है 2π अंडर रूट एल बाई जी। ये रिलेशन है टाइम पीरियड का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और सिंपल पेंडुलम के लेंथ का। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर एल बाई जी, यानी जी इज इक्वल टू 4π स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो फ्रैक्शनल चेंज वाला जो फॉर्मूला होता है अगर हम उसको अप्लाई करें तो लिख सकते हैं डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है इसमें कोई चेंज नहीं आता, लेंथ में आएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस ये टी स्क्वायर है तो इसका आएगा 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। ठीक, तो डेल्टा एल जो है मतलब कि लेंथ मेजर करने में जो एरर आ सकता है वो कितना आ सकता है, ये जो वैल्यू दिया गया है लेंथ का इसको दे करके बता सकते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसकी एक्यूरेसी थी 0.1 सेंटीमीटर, है ना, एक डेसिमल पॉइंट तक दिया हुआ है तो 0.1 सेंटीमीटर बता सकते हैं। तो ये है 0.1 सेंटीमीटर और लेंथ बताया गया है 25 सेंटीमीटर, है ना, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी जो है ये होता है चेंज इन टाइम पीरियड और एरर इन टाइम पीरियड और ये होता है टाइम पीरियड। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि जो डेल्टा टी बाई टी है मैं ऊपर नीचे 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि 40 ऑसिलेशन का टाइम ये आ जाएगा और 40 ऑसिलेशन में जो टाइम में चेंज आ सकता है या जो एरर आ सकता है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 ऑसिलेशन में जो टाइम लेता है वो टाइम बताया गया है 50 सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पर 50 सेकेंड लिख दूंगा, है ना, मैंने 40 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे क्योंकि 40 से मल्टीप्लाई करने से इसमें वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं, है ना। और डेल्टा टी इंटू 40 मतलब 40 ऑसिलेशन के बाद जो एरर आ सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड का आ सकता है ना। तो ये जो डेल्टा टी इंटू 40 है वो आएगा 1 सेकेंड। अब इसको आप सोल्व करेंगे, है ना, तो ये आएगा 0.044 ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर, तो क्या करेंगे डेल्टा जी बाई जी जो है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 0.04 है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4.4% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे जो 3 है थर्ड ऑप्शन ये सही ऑप्शन है 4.40।